आरटी प्रवेश धांधली के मामले में बुधवार को भी शाहिद शरीफ पुलिस के हाथ नीले का है। सदर पुलिस की टीम ने बुधवार को शाहिद के गिट्टी खदान स्थित फ्लैट की तलाशी ली। इस दौरान उसके घर से पुलिस ने एक तलवार जब्त की है। पुलिस की जांच में आरटी के तहत प्रवेश के लिए शाहिद शरीफ द्वारा पालकों से लाखों रुपए लिए जाने की खबर सामने आ रही है। दूसरी ओर सीताबर्डी पुलिस ने भी बुधवार को उनके पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले में एक और पालक को गिरफ्तार किया है। बुधवार को आयोजित पत्र परिषद में पुलिस आयुक्त रविंद्र कुमार सिंघल ने बताया कि शहर के पालकों को नामांकित शाला में उनके बच्चों को एडमिशन दिलाने का झांसा देकर शाहिद की बड़ी रकम मांगने के सीधे आरोप लग रहे हैं। वहीं पालक भी अपने बच्चे के भविष्य को देखते हुए उसे बड़ी रकम देने को मजबूर होते रहे हैं। सूत्रों के अनुसार आरटी प्रवेश के लिए शाहिद खुद ही बोकस निवासी और आय प्रमाण पत्र तैयार कराता था। यह जानकारी पुलिस को मामले में गिरफ्तार एक पालक ने दी है। शनिवार 18 मई को सीताबर्डी में 17 और सदर थाने में दो पालकों के खिलाफ मामला दर्ज होते ही शाहिद शरीफ फरार बताया जाता है, इसलिए सदर पुलिस उसे जमकर तलाश कर रही है। ऐसे में सदर पुलिस ने बुधवार को शाहिद शरीफ के गिट्टी खदान स्थित फ्लैट की तलाशी ली। इस दौरान उसके फ्लैट से कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज और तलवार पुलिस के हाथ लगी है। एक जो मुख्य आरोपी है त्यांना आम्ही अटक केलेले आहे आणि त्या अटकेनंतर त्याचे घर झडती घेतली आम्ही। त्या घर झडतीमध्ये त्याच्याकडून भरपूर डॉक्युमेंट्स भेटलेले आहे, काही शिक्के पण मिळालेले आहे ज्याच्या त्याच्याकडे असण्याचं काही कामच नव्हतं। आणि याचे जवळपास 17 जे पालक आहे त्यांचेही नाव वगैरे आम्हाला मिळालेले आहे आणि आत्ता जवळपास 4-5 लोक अटक झालेले आहे आणि पुढची आमची कारवाई चालू आहे। जे जे निष्पन्न होतील त्यांना आम्ही अटक करणार, त्यांच्याकडून जे त्यांनी काय काय चूक केले ते इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये जे जे निष्पन्न होईल आम्ही ते कोर्टात ते केसेस तसे पाठवणार आहे। आणि फार गंभीर विषय आहे कारण आरटी ऍक्ट अनुषंगाने जे 25% जे ॲडमिशन्स जे मिळतात जे लोक गरीब असतात किंवा त्यांच्यासाठी जे गाईडलाईन्स आहे आणि ते गाईडलाईन्समध्ये जे 4-5 जे सर्टिफिकेट्स त्यांना द्यावं लागतात तेही त्यांनी फेक बनवलेले आहे आणि याच्यात सगळ्यांच्या ते सामील आहे। कारण आणि जे शासनाची पण फसवणूक आहे हे निष्पन्न होतो आहे, तर त्याप्रमाणे आमची कारवाई चालू आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।